बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। लेट्स स्टार्ट द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 15 मुस्तफा कमाल। लुक एट पेज 77। व्हाइल द डेलीगेट्स वर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन द बॉस्फोरस, जब वो नुमाइंदे बॉस्फोरस में अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे, मुस्तफा कमाल वॉज मेकिंग एक्सेप्शनली गुड, मुस्तफा कमाल इस आज़ादी का एक्सेप्शनली गुड यूज़ ऑफ द फ्रीडम, इस आज़ादी का गैर मामूली इस्तेमाल कर रहा था। विच द एब्सेंस ऑफ द टॉकर्स हैड गिवन हिम, जो कि बातूनियों की गैर मौजूदगी ने उसको मुहैया किया था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों के लिए अलाइड एजेंट्स वर केप्ट बिजी रिपोर्टिंग लार्ज आर्म्ड फॉर्मेशन सीन इन द इंटीरियर। अगले चंद हफ्तों तक इत्तेहादी कारिंदे ये रिपोर्टें देने में मसरूफ रहे कि मुल्क के वस्ती हिस्सों में बड़े बड़े लश्कर, पुरानी शाही फौज के बाकायदा दस्ते, रेगुलर ट्रूप्स ऑफ द ओल्ड इंपीरियल आर्मी, आर्म्ड पीसेंट, मुसल्ला, किसान, विमेन, खवातीन ट्रांसपोर्टिंग एमुनिशंस एंड सप्लाईज एस टर्किश विमेन, उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहे थे असलहा और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें, गोला बारूद और खाने पीने की एशिया एस टर्किश, जैसे कि खवातीन तुर्की खवातीन हैड डन कर चुकी थी इन द डेज बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले के दिनों में। The position was becoming really serious for the Allied Army of Occupation. सूरत हाल वाकई ही संजीदा होती जा रही थी, ख़तरनाक होती जा रही थी Allied Forces के लिए। Stationed here there, जो कि वहाँ पर तैनात थे near the coast, साहल के करीब। In a diary, अपनी diary में an American medical practitioner, एक American जो खातून थी, chronicled होता है वाक़ात को लिखना, वाक़ निगारी करना, क्रॉनिकल द डेली डिटेरियोरेशन तबाही ऑफ द पोजिशन इन एनाटोलिया, एनाटोलिया में जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर तबाही हो रही थी उसके बारे में लिखती है। वो क्या कहती है, द फायरिंग गेट्स वर्स स्टडीली, फायरिंग बदस्तूर मुतवातिर बदतर होती जा रही थी। जनरल मसेकर एक कत्लेआम मुतवक्के था, कत्लेआम ऑफ द आर्मीनियंस इज एक्सपेक्टेड, वो कहती थी कि आर्मीनियों का कत्लेआम मुतवक्के है। ऑल नाइट्स अलोंग द स्काईज आर रेड लाइटेड इन एवरी डायरेक्शन, तमाम रात हर तरफ गजबनाक शोलों से, बाय द रेजिंग फायर्स, गजबनाक शोलों से आसमान सूख रहता है। एंड द कैनन रोर, क्या है, तोपें गूंजती हैं। एंड हेवंस शेक, और आसमान लर्ज उठता है। द होल सिटी इज ओवर हंग विद क्लाउड्स ऑफ स्मोक, तमाम शहर पर धुएं के बादल छाए हुए हैं। द टर्क्स आर बोल्डर ऑल द टाइम, और जो तुर्क के लोग हैं हर पल नडर हो रहे हैं, बहादुर बनते जा रहे हैं। श्योरली दिस इज बिकॉज, यकीनन इसलिए है कि दे रियलाइज दैट दिस इज द एंड फॉर देम एंड आर डेस्परेट, तो क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि ये उनके लिए ज़िंदगी मौत का सवाल है, इसलिए वो बहुत खतरनाक हो गए हैं। एवरी डे ब्रॉट फ्रेशमैन एंड न्यू इक्विपमेंट, हर रोज नए आदमी और नया सामान क्या है उतरा गया, आता गया। द अलाइज बिगिन टू विड्रॉ देयर ट्रूप्स फ्रॉम द इंटीरियर, इत्तेहादी फौजों ने अंदरूनी इलाकों से अपने दस्ते को हटाना शुरू कर दिया। वेरी इमीडिएटली, जहाँ पर फौरन द पैट्रियट्स, वो जो मुहिब वतन थे, ट्रांसफॉर्म द रेलवे डेपोट्स, अपने रेलवे जो डिपो थे उन्हें तब्दील कर दिया इनटू एमुनिशन फैक्ट्रीज, क्या असलहा की फैक्ट्रीज में तब्दील कर दिया। द अलाइज रिप्लाइड बाय पुटिंग इस्तांबुल अंडर अ कलेक्टिव अरेस्ट एंड डिसॉल्विंग, अलाइज ने क्या है जवाबन क्या किया, अलाइज ने जवाबन इस्तांबुल को इज्तमाई हिरासत में लेकर
डिजॉल्विंग द नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली को तहरील कर दिया, कौमी असम्बली को ख़त्म कर दिया। जो लीडिंग थे लीडिंग पेट्रियाट्स जो के सरकर्दा मुज़्ज़िब वतन थे, हेड रूपोश हो गए और एस्केप इनटू इंडिया एनाटोलिया की तरफ भाग गए, फरार हो गए। वेयर दे मेड स्टेट फॉर अनकरा, वो सीधे अनकरा गए टू ज्वाइन मुस्तफ़ा कमाल को के साथ मिलने के लिए। देयर ऑन द 23rd of April 23 अप्रैल 1920 में द रेवोल्यूशनरी टर्किश ग्रैंड नेशनल असम्बली मेट विद मुस्तफ़ा कमाल से मिले एज प्रेजिडेंट, क्या है उसे एक सदर की हैसियत से, यानी कि सदर समझ के उसे मिले, यानी कि मुस्तफ़ा कमाल की जेर सदारत ये हुआ। इट्स फर्स्ट एक्ट वाज टू मेक क्लियर, इसका सबसे पहले अमल क्या था कि ये क्लियर करना था, वाजे करना था द वर्ल्ड, दुनिया को, द पोजीशन ऑफ द न्यू टर्किश गवर्नमेंट, नई तुर्की गवर्नमेंट की क्या है पोजीशन को वाजे करना था। द करेज ऑफ इट्स वर्ड्स इज एस्टोनिशिंग, उस फैसले के अल्फाज की जरूरत हैरत अंगेज है। क्या था फैसला? द ग्रैंड नेशनल असम्बली सिटिंग इन अंकरा, जो अंकरा में बैठी हुई अजीम कौमी असम्बली है, विल प्रिसाइड ओवर द डेस्टिनी ऑफ टर्की, वो तुर्की की किस्मत का फैसला करेगी, एज लॉन्ग एज द कैपिटल इज इन द हैंड्स ऑफ द फॉरनर्स, जब तक दारुल खिलाफा गैर मुल्कियों के कब्जे में है। इट हैज़ अपॉइंटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मुकर्रर कर दी है, विच हैज़ टेकन इन हैंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, जो कि मुल्की हकूमत की बागदौड़ संभाल, जिन्होंने मुल्की हकूमत की हैज टेकन संभाल ली है बागदौड़ इस्तांबुल में। द सुल्तान एंड द गवर्नमेंट बीइंग इन द हैंड्स ऑफ द एनिमी, क्योंकि सुल्तान और जो गवर्नमेंट है वो दुश्मन के हाथ में है। ऑल ऑर्डर्स फ्रॉम देयर आर ऑटोमेटिकली, और वहाँ से आए हुए तमाम अहकाम जो हैं वो ऑटोमेटिकली नल एंड वाइट, कल अदम समझे जाएंगे, यानी कि उन पर अमल नहीं किया जाएगा। द नेशन्स राइट्स हैव बीन वायलेटेड, कौम के जो हकूक़ हैं उन्हें पामाल किया गया है। द टर्किश नेशन, जो तुर्की कौम है, दो काम, वो क्या है, गर्चे के पुरअमन है, देर आर दो काम इज डिटरमिन्ड, उन्होंने फैसला कर लिया है टू मेनटेन इट्स राइट्स एज अ सोफियन इंडिपेंडेंट स्टेट, लेकिन उन्होंने एक खुद मुख्तियार आज़ाद रियासत के अपने हकूक मनवाने के लिए पूरा अज़्म है। आखिरकार क्या हुआ? एज द मंथ ऑफ मे 1920 वॉज ड्राइंग टू इट्स क्लोज, ये ख़त्म होने वाला था, द अलाइज पब्लिश द टर्म्स ऑफ पीस, उन्होंने अमन के मुआहदे के शरायत पेश की, विच देवर विलिंग टू मेक विद मेहमत फोर, जो कि वो मेहमत फोर से करने पर रजामंद थे। अ स्मॉल एंड हेल्पलेस ऑटोमन एम्पायर, एक क्या है छोटी सी बेयारो मददगार सल्तनत उस्मानिया, वाज़ टू बी एंटायरली अंडर द सुपरविजन, मुकम्मल तौर पर जेर तसल्लुती कंट्रोल थी ऑफ द अलाइड पावर्स, अलाइड पावर्स के ऑल द अरब प्रोविंसेस वर टू बिकम मैंडेटरी टेरिटरी, तमाम अरब सूबों को मातहत इलाके बनना थे। द होल ऑफ ईस्टर्न एनाटोलिया वाज़ टू बी एडिड टू द स्टेट ऑफ आर्मेनिया, क्या है ये सारा ईस्टर्न एनाटोलिया जो था वो आर्मेनिया की रियासत में जाना था। अराउंड इजमीर, इजमीर के इर्द-गिर्द वाज़ टू बी ए लार्ज ग्रीक डिस्ट्रिक्ट, एक बड़ा यूनानियों का डिस्ट्रिक्ट था। सिसलिया वाज़ टू गो टू फ्रेंच, ये इनके कब्जे में जाना था। द ऑटोमन कैपिटल इटसेल्फ वाज़ टू बी एन इंटरनेशनल सेंटर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, और ये क्या है जो ऑटोमन कैपिटल था, सल्तनत उस्मानिया का दारुलखिलाफा था, ये बरतानिया के कंट्रोल में था, बरतानिया फ्रांस और इटली के कंट्रोल में। ओनली द इमीडिएट हिंटरलैंड, सिर्फ करीब तरीन मजाफाती इलाके जो थे वो यूरोप में तुर्की के तौर पर बाकी रहना था। हिंटरलैंड पार के इलाके, मजाफाती दूर के इलाके ऑफ इस्तांबुल वास्तु रिमेन ऑफ द वंस एक्सटेंसिव तुर्की इन यूरोप, एक क्या है ये इलाके जो थे ये इन्होंने तुर्की के तौर पर बाकी रहना था, और वो तुर्की जो कभी इतनी बड़ी सल्तनत हुआ करती थी। द टर्म्स इफ वाइडली एक्सेप्टेड, अगर शायद को जूं का तुम तस्लीम कर लिया जाता, वुड हैव बीन द डेथ सेंटेंस नॉट ओनली इन द ऑटोमन एम्पायर,
तो ये मुकम्मल तौर पर सत्यन सुमाने की ना तो मौत होती बट ऑफ वट वॉज नाउ करेक्टली डिस्क्राइब एज टर्की, बल्कि उस तुर्की की जिसे हम आजकल बल्कि जिसे तुर्की कहा जाता है इसकी मौत होती। बाय एंटरटेनिंग द वेरी आइडिया ऑफ साइनिंग अ ट्रीटी बेस्ड ऑन सच टर्म, क्या है इस किस्म के मुआहदे पर दस्तखत करना, इन शरायत पर जो मुआहदा उस पर दस्तखत करना, द ऑटोमन गवर्नमेंट एट इस्तांबुल वॉज ब्रांडेड बाय द पेट्रियट्स। तो क्या था वो वतन परस्तों ने इस्तांबुल में स्वानी हुकूमत पर गद्दारों और सच्चाए हुए बुड्ढों की कठपुतली हुकूमत होने का ठप्पा लगा दिया, वॉज ब्रांडेड ठप्पा लगा दिया बाय द पेट्रियट्स, वतन लोगों ने एज अ पपेट की पुतली, गवर्नमेंट है ऑफ ट्रेटर्स बागियों की, डॉटर्स सठाए हुए लोगों की, एंड ऑलमोस्ट द एंटायर टर्किश नेशन एक्सेप्टेड द टर्किश गवर्नमेंट एट अंकारा, और तकरीबन और तमाम तुर्किश कौम ने उस कौम हुकूमत को तस्लीम किया जो कि क्या है जो अंकारा में थी। देर वॉज नो वन टू इन्फोर्स द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी इन द इवेंट ऑफ मेहमद साइनिंग इट, मेहमद के इस मुआहदे पर दस्तखत कर देने की सूरत में मुआहदे की शराहत को नाफिज करने वाला कोई नहीं था। ऑन द 21st August 1921 द ग्रीक्स अटैक्ड, यूनानियों ने हमला कर दिया इन द माउंटेन कंट्री अबव द सकारिया, सकारिया दरिया के क्या है पहाड़ी मुल्क में, सम 50 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ अंकारा, द टू वेलियन पीपल, दो बहादुर लोग आपस में लड़ रहे थे, ऑलमोस्ट मैन टू मैन फॉर 14 डेज लड़े 14 दिन तक, अंडर द बर्निंग हीट ऑफ द सन, क्या है चिलचिलाती धूप में, बहुत ज़्यादा धूप में, द ग्रीक्स अटैकिंग विद रेकलेस, जो यूनानी थे रेकलेस एबंडन, यूनानी क्या है बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे, यूनानी जान की बाजी लगाते हुए बेजिगरी से यानी कि जिगरी से बेजिगरी से हमला अवल हो रहे थे, तुर्क द टर्क्स हैंगिंग ग्रिमली ऑन द हाइट्स, और क्या है जो तुर्की के लोग थे वो साबित कदमी से पहाड़ों पर डटे हुए थे, वेलियंट हीट ऑफ द सन, हाइट्स मुस्तकमाल, नाउ देयर कमांडर इन चीफ बाय चीफ, वो इनका कमांडर इन चीफ था, बाय द 4th of September द क्रिटिकल मोमेंट हैड कम, क्या है बहुत अहम फैसला कुन यानी कि घड़ी आ पहुंची थी, द ग्रीक्स वर एट द एंड ऑफ द स्ट्रेंथ, वो अपनी यूनानियों की ताकत जवाब दे रही थी, ऑन द 12th द क्रॉस द सकारिया, उन्होंने 12 को सकारिया दरिया को अबूर किया एंड बिगिन टू रिटायर स्टडीली, और क्या है ऐसा ऐसा मुंतशिर होना शुरू हो गए, बट देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ द टुर्क्स इमिडिएटली फॉलोइंग अप देयर एडवांटेज, लेकिन तुर्कों ने इनका पीछा करने का फ़ायदा उठाया, इसमें कोई शुबा नहीं था कि तुर्कों ने उनका पीछा करने का फ़ायदा उठाया, और बिल आखिर 1922 में एंड एट लास्ट क्या हुआ 22 में दैट मुस्तफा कमाल वॉज एबल टू साउंड हिज फेमस बैटल कार, 1922 में अगस्त के आखिर में मुस्तफा कमाल ने अपना मशहूर जंगी नारा लगाया, सोल्जर सिपाहियों योर गोल इज द मेडिटेरेनियन फॉरवर्ड, तुम्हारी मंजिल बुहेरा रोम है, आगे बढ़ो फॉरवर्ड आगे बढ़ो। 6 days लेटर 6 दिनों के बाद द एडवांस गार्ड ऑफ टर्किश नेशनल फोर्सेज ड्यू विद इन द साइट ऑफ द मेडिटेरेनियन, क्या है 6 दिन के बाद बुहेरा रोम तुर्क कौमी अफवाज के हर अवल दस्ते की नजरों के सामने था, हर अवल दस्ते की एडवांस गार्ड हर अवल दस्ते के सामने था, देयर ले इजमीर क्राउडेड, इजमीर पुरहजूम था, लोग इकट्ठे थे, एंड ओवरफ्लोइंग विद रेफ्यूजीज, और पनाह गुजीनों से लबरेज था, भरा हुआ था, देयर वर शिप्स फॉर द ग्रीक सोल्जर्स बट नन फॉर द ग्रीक एंड द आर्मेनियन पॉपुलेशन, यूनानी सिपाहियों के लिए तो जहाज थे मगर खौफ से बदहवास, क्रेज विद फियर, खौफ से बदहवास यूनानी और आर्मीनियाई आबादी के लिए कोई जहाज ना था, इन द हार्बर टॉवर्ड द अलाइड बैटल शिप, क्या है बंदरगाह पर इतिहादियों के बुलंदोबाला अलाइड बैटल शिप्स पावरलेस टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, तो वो कुछ करने के काबिल ना थे, लाचार सिवाय इसके के एक्सेप्ट सिवाय इसके के टू टू टेक अवे एज मैनी रेफ्यूजीज, के वो ले जाएं इतनी ज़्यादा पनागुजीनों को अरशे पर सवार करके ले जाएं जितना इनके लिए मुमकिन था, ऑन बोर्ड अरशे पर एज पॉसिबल जितना उनके लिए मुमकिन था।
द ग्रीक सलोन वर एट वॉर विद द रिबेल्टर्स, अब क्या था, यूनानी तनहा बागी तुर्कों के साथ जंग लड़ रहे थे। अलॉन्ग लाइन ऑफ डेकोरेटेड कार्स, एक लंबी सजी सजाई गाड़ियों की कतार एंटर्ड इजमेर ऑन द अजमेर में दाखिल हुई ऑन द 9th of September 1922। ऑन द ईदर साइड, उसके दोनों तरफ, उस कार के दोनों तरफ एन एस्कॉर्ट ऑफ कैवेलरी, क्या है, दस्ता था किनका, घोड़सवारों का हिफासी दस्ता था, एस्कॉर्ट ऑफ कैवेलरी, घोड़सवारों का हिफासी दस्ता। इन द लीडिंग कार, अगली कार में वाज मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल था कमांडर इन चीफ ऑफ द फ्री टर्किश फोर्सेस, जो कि आज़ाद तुर्क अफवाज का कमांडर इन चीफ था और तुर्की का निजात दहिंदा, एंड सेवियर ऑफ टर्की, और टर्की का निजात दहिंदा, सेवियर, निजात दहिंदा। थ्री डेज आफ्टर द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के तब्दीली के तीन दिन के बाद, फायर ब्रोक आउट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी, क्या है, मुल्क के शहर के कई हिस्सों में अचानक आग भड़क उठी, और एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ इजमीर वाज रिड्यूस टू एशेज, और इजमीर का ज़्यादातर हिस्सा राख में तब्दील हो गया। मुस्तफा कमाल ने अब महसूस किया, नाउ रियलाइज्ड दैट ही मस्ट एट लास्ट परसुएड द अनकरा गवर्नमेंट टू मेक एन एंड ऑफ द पपिट शो, महसूस किया कि इसे कम अज़ कम अनकरा की हुकूमत को पुराने दार खिलाफा में कठपुतली तमाशे को ख़त्म करने की तरकीब देनी चाहिए। He proposed that the sultanate should be abolished. उसने मशा दिया, तजवीज़ पेश की कि खिलाफत को ख़त्म कर दिया जाए। द ग्रैंड टर्किश नेशनल असम्बली गेव द वर्डिक्ट, और जो ग्रैंड नेशनल टर्की के ग्रैंड नेशनल असम्बली थी, उसने ये वर्डिक्ट, मतलब क्या, फैसला सुना दिया। बाय द यूनानिमस, क्या है, मुतफिका राय है, क्या फैसला हुआ, बाय द यूनानिमस वोट ऑफ द ग्रैंड नेशनल असम्बली, उन्होंने कहा कि तुर्की की असीम कौमी असम्बली के मुतफिका वोट के जरिए खिलाफत को ख़त्म किया जाता है। द सल्तनत इज अबॉलिश, ख़त्म करना, इरेडिकेट करना। ऑन द 4th of November रिफत कैरिड आउट, क्या है, 4 नवंबर को रिफत ने इस्तांबुल में ज़बरदस्ती, रिफत कैरिड आउट अ कोप्टी, क्या, ज़बरदस्ती फौजी कार्रवाई करके सूरत हाल को तब्दील कर देना, इस पर अमल दामद कराया। ऑन द फॉलोइंग डे द ऑटोमन कैबिनेट रिजाइंड ऑफिस एंड वाज नॉट रिप्लेस्ड, और क्या है, अगले दिन क्या हुआ, सल्तनत उस्मानिया की काबीना मुस्तफ़ी हो गई और इसकी जगह किसी ने ना ली। फॉर अ फ्यू डेज महमद स्टूड हिज ग्राउंड, कुछ दिनों तक तो महमद जो था, जो आखिरी सुल्तान था सल्तनत उस्मानिया का, वो अपने डटा रहा, द रूलर ऑफ द पैलेस, वो अब एक 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 महल का और एक प्राइवेट पार्क का, क्या है, सिर्फ हुक्मरान था। उसने महसूस किया होम, ही फेल्ट ही कुड ट्रस्ट नो वन, उसने महसूस किया कि वो किसी पे एतमाद नहीं कर सकता। बट एन ओल्ड कंडक्टर ऑफ द रॉयल ऑर्केस्ट्रा, उसने महसूस किया कि वो किसी पर भी यकीन नहीं कर सकता, सिर्फ मासीवाय शाही साजिंदों के बूढ़े हदायतकार के, जिसको भी लहा कर होम एट लास्ट ही सेंट टू सर चार्ल्स हैरिंगटन, उसने सर हैरिंगटन के पास, चार्ल्स हैरिंगटन के पास भिजवाया, टू क्रेव ब्रिटिश प्रोटेक्शन फॉर द एम्पायर ऑफ पावरफुल एम्पायर्स। तो क्या है, उसने क्या कहा, उसने बरतानवी तहफ़ की दरख्वास्त भिजवाई और ताकतवर शहनशाहों के शहनशाह, बादशाहों की पनागा, धरती के पावरफुल शहनशाहों के शहनशाह, रिफ्यूज ऑफ सोबियंस, क्या है, बादशाहों की पनागा, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ क्राउन्स टू द किंग्स ऑफ वेस्ट, ज़मीन के बादशाहों को ताज अता करने वाले, मास्टर ऑफ यूरोप, यूरोप के आका, एशिया और अफ्रीका के हाई किंग ऑफ टू सीज़ और बहरीन के दो समंदरों के अजीम बादशाह। इट वॉज द 17th of November 1922, अ ब्रिटिश मोटर एम्बुलेंस ड्रू अप एट द साइड डोर ऑफ द पैलेस, उस महल के साइड वाले दरवाजे पर आ खड़ी हुई, वेयर मेहमत वॉज स्टेइंग, जहाँ पे मेहमत ने कयाम किया हुआ था। सम बैगेज वॉज ब्राउट आउट ऑफ द पैलेस,
को सामान उस महल से बाहर लाया गया एंड प्लेस इन द कार, कार में रखा गया। एन एल्डरली मैन फॉरवर्ड, एक बूढ़े शख्स आया, चलता हुआ आया। अ ब्रिटिश ऑफिसर टुक द ओल्ड जेंटलमैन्स अम्ब्रेला, और ब्रिटिश ऑफिसर ने उस बूढ़े शख्स की क्या है छतरी को थामा। एज ही एंटर द व्हीकल, जैसे ही वो उस गाड़ी में उस एम्बुलेंस में दाखिल हुआ। द डोर वॉज क्लोज, दरवाज़ा बंद कर दिया गया एंड द एम्बुलेंस ड्रोव अवे, और क्या है वो एम्बुलेंस चल दी। द लास्ट ऑफ द सुल्तान वॉज ऑन हिज वे टू एग्जाइल, और जो आखिरी जो सुल्तान था वो अपने जिलावतनी के रास्ते पर था। एग्जाइल जिलावतनी, अ ग्रेटर सोबियन देन ऑल द ऑटोमन सुल्तान वॉज नाउ क्या है इन द सीट ऑफ पावर इन अंकरा, और सबसे बड़ा सुल्तान जो था वो बादशाह जो था वो अंकरा में अपनी सीट पर विराजमान था। द विल ऑफ द टर्किश पीपल एक्सप्रेस थ्रू अ लीडर हु वॉज एट वन एट द सेम टाइम, और तुर्की के लोगों की ख्वाहिश पूरी हुई एक ऐसे लीडर के जरिए जो कि डिक्टेटर भी था और डेमोक्रेट और जमहूरियत पसंद भी था और डिक्टेटर भी था। इट वॉज द एंड ऑफ एन एज, एक दौर का खात्मा हुआ। ऑन द 29th October 1923 द नेम ऑफ द ऑटोमन एम्पायर वॉज वाइप्ड, क्या है सल्तनत उस्मानिया का नाम साफ कर दिया गया फ्रॉम द स्लेट ऑफ हिस्ट्री की तारीख की तख्ती से। अ सैल्यूट ऑफ 101 गन्स प्रोक्लेम्ड, क्या है उसे सलामी दी गई 101 गन्स की। द फाउंडेशन ऑफ द टर्किश रिपब्लिक विद मुस्तफा कमाल एज द 101 तोपों की सलामी ने जमहूरिया तुर्किया की तुर्की के क्याम का ऐलान किया, प्रोक्लेम्ड ऐलान किया। द फाउंडेशन ऑफ द टर्किश रिपब्लिक विद मुस्तफा कमाल एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट, और जिसका सदर मुस्तफा कमाल और वजीर आजम एंड द मुस्तफा कमाल एज द प्रेजिडेंट एंड जनरल असमत अनोनो एज द प्राइम मिनिस्टर, और जनरल असमत अनोनो क्या है वजीर आजम थे जिसके सदर मुस्तफा कमाल और जनरल असमत अनोनो जिसके पहले वजीर आजम थे। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर मुस्तफा कमाल हम इसे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।